बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से सब खैर व आफियत से होंगे जी। तो आज के वीडियो में कुछ मैं आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूँगी जो अब भी हम कटिंग से लगा सकते हैं, क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं जाने लगा और फैन वगैरह भी चल रहे हैं, और अगर सर्दी हो भी जाए तो आप पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करके इस टाइम पे भी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। मैंने कुछ प्लांट्स ऑनलाइन मंगवाए थे, वो ग्रो करूँगी और कुछ ट्रांसप्लांट करूँगी, सलाद पत्ता की सीडलिंग। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ प्लांट्स की प्रोपोगेशन शेयर करूँगी। तो इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो नया आए उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। तो कोलियस को बुशी बनाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि जब कोलियस की एक सिंगल स्टेम जो है वो ग्रो हो रही हो, कटिंग के ज़रिए हमने लगाई है और उसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली है, तो जब आप देखेंगे तकरीबन एक बालिश के करीब प्लांट हो गया तो उसको ऊपर से पिंच कर दें, ताकि इस तरह से आपके प्लांट्स भी घने और बुशी बन सकें। क्योंकि जहाँ से हम पिंच करते हैं वहाँ से एक की जगह पे दो ब्रांचेस निकलती हैं, जब उन दो ब्रांचेस को ऊपर से पिंच किया जाता है तो वहाँ से चार ब्रांचेस निकलती हैं, और इस तरह देखते ही देखते हमारे प्लांट्स इस तरह से बहुत ही घने, बुशी और ख़ूबसूरत हो जाते हैं। और इस तरह से स्पाइडर प्लांट को आप इस टाइम पर आसानी से रनर के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं और रूट विजन के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं, और अपने पास एक से कई प्लांटर्स रेडी कर सकते हैं। और ये मैंने कुछ प्लांट्स ऑनलाइन मंगवाए थे, तो ये देखें, ये वेरीगेटेड जेड प्लांट है और ये सिंगोनियम की एक बहुत ही खूबसूरत यूनिक सी वैरायटी मुझे लगी थी, तो ये मैंने मंगवाई है। लेकिन बहुत छोटा प्लांट है, देखिए सर्वाइव करता है या नहीं करता। बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो ये मैं ग्रो करूँगी। और ये कोलियस की एक वैरायटी है, ये देखें, इनको मैंने जब प्लांट्स मेरे पास पहुँचे थे तो फ़ौरन पानी में रख दिए थे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा कलर लग रहा है। तो जितने भी प्लांट्स मैंने मंगवाए हैं उनको विद नेम शेयर करूंगी आपके साथ और लगाना बताऊंगी आपको कि किस तरह से हम लगा सकते हैं, किस तरह का सॉइल मीडिया लेना है और किस तरह इसकी केयर करनी है। तो ये बिल्कुल पोरस ही सॉइल लेके इसके अंदर मैंने कार्डन कंपोस्ट, भल वाली मिट्टी और किचन वेस्ट कंपोस्ट ऐड की हुई है थोड़ी सी, साथ में रेत है। तो इन चार चीज़ों का कम्बिनेशन बना के बिल्कुल पोरस सा सॉइल मीडिया है, तो इसके अंदर जो प्लांट्स मंगवाए हैं उनको आहिस्तगी से सेट कर देना है और फिर इसको हमने भर के पानी डाल देना है। तो मैं सिंगोनियम के साथ ही वेरीगेटेड वाला जेड प्लांट लगा दूंगी, क्योंकि इन दोनों प्लांट्स की केयर फिर मुझे थोड़ा करना आसान होगी। तो आप भी इस तरह कंबाइन करके अपने पॉट्स के अंदर प्लांट्स लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉट्स भी नहीं होते, बाज़ औक़ात जगह की कमी होती है, तो हमें अपने प्लांट्स को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो यूँ एक दफ़ा भर के पानी डाल दें कि ड्रेनेज होल से ड्रेन हो जाए, उसके बाद जब प्लांट की मिट्टी सूखती हुई नज़र आए तो पानी डालना है आपने इसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी सी रूटेड प्लांट्स हैं, थोड़े थोड़े बिल्कुल कटिंग्स नहीं हैं। तो इसको लगा के हमने रख दिया है इस तरह, और ये देखें कितना खूबसूरत वेरिएशन है और बहुत ही प्यारी सी वैरायटी है सिंगोनियम की। बस एक दफ़ा चल जाए तो फिर आप एक प्लांट से बेशुमार प्लांट्स बना सकते हैं। तो इसके बाद हम लगाएंगे कोलियस का प्लांट, इसको भी मैंने पानी में रखा हुआ था लेकिन तीन चार दिन के सफ़र के बाद अभी प्लांट जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में है, तो इसको मैं बिल्कुल खाली भल वाली मिट्टी में लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो पॉट है इसके अंदर ऐसे ही भल वाली मिट्टी में मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हुई थी क्रैसेंथेमम की, गुलदाउदी की। तो ये देखें इस तरह से खूबसूरत कलर वाला जो प्लांट है इसको लगा के भी हमने साइड पे कर देना है, और जितने भी प्लांट्स हमने लगाने हैं इनको हमने शेड में रखना है अभी जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाते। तो ये कुछ और प्लांट्स थे कोलियस के, तो इनको भी मैंने सेट कर दिया है इस तरह से, और ये चंद दिन पहले कटिंग्स लगाई थी, और अब मैं लगाऊँगी इस पॉट के अंदर कुछ और ऐसे प्लांट जो काफ़ी हार्डी भी हैं और इनको आराम से हम प्रोपोगेट कर सकते हैं चाहे कोई भी मौसम हो। तो ये चाइनीज़ एलोवेरा का प्लांट है, इस पॉट में भी भल वाली मिट्टी, काउडंग कंपोस्ट और किचन वेस्ट कंपोस्ट शामिल है, तो साथ में थोड़ी सी रेत भी है, क्योंकि रेत डालने से पानी ज़्यादा टाइम टिकता नहीं है मिट्टी के अंदर,
जितना भी एक्सेस वाटर होता है फ़ौरन निकल जाता है। इसके बाद है डेवल्स बैकबोन की एक कटिंग, उसको लगा देंगे इस तरह से। बैक साइड पे मैं ज़रा हाइट वाले प्लांट लगाऊंगी और इसके आगे मैं ऐसे प्लांट लगाऊंगी जिनकी बहुत ज़्यादा हाइट ना हो और वो नीचे नीचे फैलने वाले हों। और ये अगेव प्लांट की एक वैरायटी है, तो उसका प्लांट है। इसको इसी तरह से अगर रूट्स बहुत लंबी हैं तो आप इसको थोड़ा सा लिटा के भी लगा सकते हैं हॉरिजॉन्टली, इनकी रूट्स को सेट करके, तो प्लांट्स चंद दिनों में आपका जो है वो सीधा खड़ा हो जाएगा, कोई इशू नहीं होता। तो और एक आइडिया इस यहाँ पे ये भी आपको मिलता है कि हम किस तरह से थर्माकोल के बॉक्सेस को गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है ये वाला प्लांट जो पेंसिल कैक्टस का, इसको भी इसी तरह से ट्रांसप्लांट कर रही हूँ और इसको यूं मट्टी के ऊपर रखे तो साथ हल्के हाथ से ऊपर मट्टी डाल देनी है। नेक्स्ट फिर जो प्लांट है वो अगेव प्लांट है और इस साइड पे फ्रंट पे लगाऊंगी ताकि जब प्लांट थोड़ा हेल्दी हो जाएगा तो खूबसूरत नज़र आएगा। और ये ऐसे प्लांट्स हैं, अगेव प्लांट हो गया, अजवाइन लीफ प्लांट हो गया, एलोवेरा हो गया, इसके अलावा और भी कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम अगर 5-6 दिन के लिए भी निकाल के मिट्टी से रख दें तो ये ख़राब नहीं होते। इससे ज़्यादा दिन भी आप गुजारना चाहें तो गुजर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि टाइम पे लगा लिए जाएं प्लांट। तो कुछ वजह थी जिसकी वजह से मैंने निकाल के रखे थे तो मैं टाइम पे लगा नहीं पाई इनको, तो आज आपके साथ शेयर भी हो गया और प्लांट्स लग भी गए। इसके बाद है यूफोर्बिया मिली की कटिंग्स, तो यूफोर्बिया मिली की कटिंग्स भी मैं इसके साथ ही बैक पे लगा दूंगी क्योंकि ये जब हाइट पे जाएंगे प्लांट तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो यूफोर्बिया मिली को भी आप निकाल के या इसकी कटिंग लेके 1-2 दिन रख लें तो कोई मसला नहीं होता, प्लांट इजीली अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेता है। तो बस इनको लगा के तो हल्के हाथ से प्रेस कर दें। तो बाकी जो मैंने प्लांट्स इसके अंदर लगाए हैं, ये देखिए, ये टर्टल वाइन की कटिंग्स थी और ये वेंड्रिक ज्यू वेरीगेटेड वाला और साथ ये लालसा की एक कटिंग है। इन सब को लगा के तो बीच में मैंने कुछ मॉस रोज़ की कटिंग सेट कर दी हैं क्योंकि इन सब प्लांट्स के बीच में जब मॉस रोज़ पे फ्लावरिंग स्टार्ट होगी टाइम आने पे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे लगेंगे। और फ्रंट पे टर्टल वाइन और वेंडिंग जू है ये ट्रेल करती हुई आगे को आ जाएंगे। तो फिर इसको पॉट को हम किसी हाइट वाली जगह पर भी रख सकते हैं और एक दफ़ा भर के पानी डाल दें। उसके बाद जैसे हम रेगुलर वाटरिंग करते हैं प्लांट को, जब मिट्टी सूखे तो पानी डालते हैं, तो इसी तरह से हमने पानी डालना है। इसके बाद थर्माकोल का एक और पॉट है मेरे पास, बॉक्स है, इसके अंदर भी मैंने ऐसी ही अपने गार्डन की सॉइल जो मिक्सर बना के रखती हूँ वो वाला ऐड कर लिया है। इसके अंदर मैं सलाद पत्ता की सीडलिंग ट्रांसप्लांट करूँगी। तो सलाद पत्ता की सीडलिंग जो है ये मैरून और ग्रीन वाली है, इसको मैंने पहले पानी डाल दिया था तकरीबन 2 घंटे अच्छी तरह से भर के पानी डाला था ताकि मिट्टी जो है सारी अच्छी तरह से नरम हो जाए और मैं इसको इजीली ट्रांसप्लांट कर पाऊँ और इसके रूट्स वगैरह ख़राब ना हों। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ मैंने कैंची से ऊपर उठाया, आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो रूट बाउल हैं वो आसानी के साथ हाथ में आ गए। तो ये देखें इस तरह से अच्छे से सॉइल मीडिया के अंदर आपने इस तरह से इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर लेना है अगर आपने सीडलिंग की हुई है, नहीं तो बाज़ औक़ात नर्सरी से भी सीडलिंग इसकी मिल जाती है या रोड साइड पे भी सीडलिंग वाले बैठे होते हैं उनसे भी मिल जाती है। तो इसी तरह से एक एक प्लांट करके अगर आपने एक एक पॉट में एक एक प्लांट लगाना है तो भी ठीक है, लेकिन मेरे पास थर्माकोल का बॉक्स थोड़ा बड़ा था तो इसके अंदर मैं तकरीबन ये 7-8 प्लांट इकट्ठे ग्रो कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉट्स और स्पेस नहीं है मेरे पास। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप इन सीडलिंग को कम से कम 1 फीट या 1.5 फीट के फासले पे लगाएं तो भी ये प्लांट बहुत ही अच्छी और हेल्दी हेल्दी हो जाते हैं, लेकिन जगह की कमी होने के बायस हमें पॉट्स के अंदर ज़्यादा प्लांट्स लगाने पड़ जाते हैं। तो साथ के साथ हार्वेस्ट करते रहेंगे। इसके बाद ये देखिए, ये कुछ प्लांट्स हैं मेरे जो कि अपने पॉट को तोड़ चुके हैं और इस तरह से इनकी ग्रोथ हो रही है। ये है सेंसिवेरिया मदर ऑफ फ्लावर्स ट्रंक, तो इसको भी मैं सेपरेट करूंगी। इसके बीच में 4 o'clock का प्लांट निकला हुआ था जिसको मैंने सेपरेट कर लिया है, किसी और पॉट में लगा दूंगी। तो इसके रूट बॉल को इस तरह से नीचे हिट करते हुए हमने सारी मिट्टी झाड़ देनी है और फिर अगर आप चाहें तो नाइफ वगैरह से भी इसके एक एक प्लांट अलग कर सकते हैं क्योंकि ये इस तरह से एक चेन चलती है।
एक पौधे से दूसरा पौधा बनता है, फिर उससे अगला पौधा बनता है। तो इसको अगर आप हाथ से कट करके प्रोपोगेट कर लें तो भी कोई मसला नहीं होता। एक प्लांट से आप बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। काफ़ी हार्डी प्लांट है, हमारे घर की फिज़ा को साफ़ करता है। छोटे बड़े किसी तरह के भी पॉट में आप लगा के अपने घर में रख सकते हैं, अपने गार्डन में रख सकते हैं। लेकिन घर में इस तरह की स्पेस पे रखें जहाँ पे इनको ब्राइट लाइट भी मिले और वहाँ पे एरेशन सिस्टम भी अच्छा हो। तो ये देखें जी, एक प्लांट से मैंने कितने सारे प्लांट्स बना लिए हैं। तो अब इनको मैं स्मॉल पॉट्स के अंदर ग्रो करूँगी ताकि मैं इनको कहीं भी अंदर कमरे में या कहीं भी जहाँ रखना चाहूँ रख सकूँ और 2-4 दिन के बाद फिर प्लांट बदल सकूँ। तो ये देखें, ये है एस्पेरागस फर्न। एस्पेरागस फर्न ने भी अपना पॉट तोड़ दिया था, तो इसको भी मैं इस तरह से प्रोपोगेट कर रही हूँ कि मैंने इसको रूट बॉल को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है और जितनी भी सूखी हुई ब्रांचेस होंगी उनको अलग कर देंगे और इनको पॉट्स के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। तो ये देखें, ये कुछ बॉटल्स कट करके तो उसके अंदर मैंने किसी को पेंट कर लिया है और कुछ अभी पेंट करूँगी। तो इस तरह से इस बड़ी वाली बोतल में 2 प्लांट लगा रही हूँ, बाकी मैं एक एक लगा के तो मैं इस तरह इनको सेट कर लूँगी। और ये वाले 2 प्लांट हैं तो इन 2 को ही मैं इस वाली बड़ी बोतल के अंदर लगा दूँगी। ये अपने जड़ों से ही प्लांट आगे आगे प्रोपोगेट होते रहते हैं और जब आप देखें कि आपका पॉट भर गया है तो आप इनको अलग अलग कर दें और एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स बना लें। तो इसके लिए भी मैंने यही वाला सॉइल मीडिया लिया है क्योंकि पोरस सा सॉइल मीडिया जो होगा उसके अंदर प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह और जल्दी डिवेल्प होती हैं और प्लांट चंद दिनों में बुशी बुशी सा बन जाता है। तो ये एस्पेरागस फर्न का जो प्लांट है, इसको एक तो मैंने वही वाला जो पॉट है उसको रीसेट किया है डोरी से बांध के, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि गमला टूट गया तो उसको फेंक दें, नहीं। आप कुछ टाइम के लिए अगर आपके पास पॉट्स नहीं हैं तो आप उसको बांध के भी टाइम गुजार सकते हैं कुछ अर्सा तक, कम से कम 6 माह 1 साल तक दोबारा ये प्लांट जो है ये हेल्दी हो जाएगा, तो फिर आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसके बाद ये कुछ प्लांट्स मेरे पास पड़े हुए थे इन बॉटल्स के अंदर जो कि बिल्कुल रूट बाउंड हो चुके थे, तो इन बोटल्स को मैंने हिट कर करके बहुत मुश्किल से इनके अंदर से मिट्टी वगैरह निकाली है पुरानी। तो नीचे मैंने किचन वेस्ट की कंपोस्ट भरी है और इसके ऊपर ये नॉर्मल गार्डन सॉइल डाल के तो मैं ये प्लांट्स लगा रही हूँ। तो पर्पल हार्ट प्लांट की कुछ कटिंग्स लगी इसके अंदर, साथ में थोड़ी सी टर्टल वाइन की कटिंग्स लगा दी हैं। तो ये जब दोनों प्लांट हैंग करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे और दोनों प्लांट काफ़ी ईजी टू ग्रो हैं और काफ़ी जल्दी ग्रोथ करते हैं ये। और ये देखें, इस वाली बोतल के अंदर से मैंने ये एक मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट निकाला है। तो ये कुछ प्लांट्स काफ़ी दिनों से निकाल के रखे हुए थे, इसका भी गमला टूट गया था तो ये प्लांट ऐसे ही पड़ा था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं नहीं लगा सकी थी तो आज फाइनली ये भी लग गया। और इसके बीच में ये सीपर स्नील का प्लांट निकला हुआ है। तो ये देखें, चंद दिन के बाद सीपर स्नील ने भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली है और जो अजवाइन लीफ प्लांट है इसके भी लीव्स में जान आना शुरू हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने बहुत से प्लांट्स को बहुत ही आसानी के साथ प्रोपोगेट कर सकते हैं और अपने घर को, गार्डन को बहुत ही हरा भरा बना सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।